अच्छा बेटा, अब आप अपनी एनसीईआरटी की बुक में पेज नंबर 130 पे चित्र 11.3 को ध्यान से देखिए जरा। मैं यहाँ पे इतने को ड्रॉ करती हूँ। ऐसा ही चित्र दिख रहा है ना बच्चों आपको? ये है फेफड़े, ये आप सबको पता है, हृदय लिखने की जरूरत नहीं है। और ये क्या है, ये क्या है, ये और ये क्या है, ये मैं आपको अभी समझाते हुए बताती हूँ। पहले इनका सिर्फ नामांकन लिख कर रही हूं मैं। अब बच्चों ध्यान से देखिए, ये चित्र 11.3 है जो आपकी पेज नंबर 130 पे आपको दिख रहा है। और इस चित्र में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताई गई है, फेफड़ों से फुफ्फुस शिरा जो है वो हृदय तक कनेक्टेड है, और उसके बाद यहाँ पर दूसरी रक्त वाहिनी कनेक्टेड है हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक। तो पहले आप मुझे बताइए कि मैंने अभी अभी आपको बताया, मैं ये डायग्राम यहां से एक्सप्लेन करना शुरू कर रही हूँ। हृदय से जो रक्त वाहिनी रक्त को दूसरे अंगों में ऊतकों में पहुंचाए, वो कौन सी रक्त वाहिनी होती है? मैं रिपीट कर रही हूं, ध्यान से सुनो। जो रक्त वाहिनी हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक रक्त को लेके जाए और विभिन्न ऊतकों तक भी वो पहुंचाए, वो कौन सी रक्त वाहिनी होती है बच्चों? वो होती है धमनी। या फिर आर्टरी। और यहां पर देखिए, जो शरीर के विभिन्न अंगों से, ये इसका फ्लो इस तरीके से बेटा, तो शरीर के विभिन्न अंगों से ऊतकों से जो रक्त को वापस हृदय तक लेके जाए, अभी मैंने आपको परिभाषा में बताई थी, तो वो रक्त वाहिनी कौन सी होती है? वो होती है शिराएं। ठीक है, अब हृदय से आप देखिए, मैंने आपको फिर से बताया, जो रक्त वाहिनी हृदय से रक्त को लेके जाए, कौन सी रक्त वाहिनी होती है? हृदय से रक्त को लेके जाए कौन सी वाहिनी होती है? धमनी। पर यहां पर क्या होता है, ये जो धमनी है, धमनी लिखा है मैंने, ये जो धमनी है हृदय से कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को फेफड़ों तक लेके जाती है, और इस धमनी का नाम है पल्मोनरी आर्टरी या फुफ्फुस धमनी। इसी तरीके से फिर से सुनिए परिभाषा जो मैंने शिराएं की आपको बताई थी, शरीर के विभिन्न अंगों से जो रक्त को हृदय तक वापस लेके आए, शरीर के विभिन्न अंगों से जो रक्त को वापस हृदय तक लेके आए, वो होती है शिरा। या फिर इस शिरा का नाम होता है पल्मोनरी वेन या फुफ्फुस शिरा। और यहां पर थोड़ा सा उल्टा है वो क्या, कि यहां पर ये ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को फेफड़ों से और हृदय तक लेके आती है, ये इसका फ्लो है। अब आप पूछोगे, मैम ये तो चलो आपने बता दिया, ये क्या चीज बनाई है आपने, है ना? मैंने यहां लिखा हुआ है, ये है केशिकाएं या कैपिलरीज। ये क्या होता है बेटा, जो रक्त वाहिनियां होती हैं, कौन सी? धमनी और शिरा। जब ये शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचती है, ऊतकों में पहुंचती है, ऊतक आप समझते हो बेटा, टिश्यूज, ऑर्गन्स किससे बनते हैं? टिश्यूज से, ऊतक से। तो जब यह रक्त वाहिनी हृदय से शरीर के अंगों में पहुंचती है, अंगों के अंदर ऊतक के अंदर पहुंचती है, तो ये डिवाइड हो जाती है और पतली नलिकाओं में, जिसका नाम क्या होता है? केशिकाएं या कैपिलरीज। वापस से यही केशिकाएं कैपिलरीज जब जो है ये नली एक शिरा में कनेक्ट हो जाती हैं, और शिराओं का काम क्या होता है? उन्हीं ऊतकों या शरीर के विभिन्न अंगों से उस रक्त को हृदय तक वापस ले जाना। तो बेटा आपको ये डायग्राम समझ में आ गया? ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि आपके दिमाग में हमेशा ये रहता है कि ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है वो आर्टरीज कैरी करती हैं। नहीं, आपको उसका स्थान, ट्रांसपोर्टेशन का कहां से कहां तक होता है उसको ध्यान में रखना है। क्या कि जब हृदय से शरीर के अंगों तक पहुंचाया जाएगा ब्लड, तो वो धमनी का कार्य होगा, जैसे यहां और यहां। ठीक है, तो ये डिफरेंस आपको समझ में आ गया। अच्छा, एक छोटी सी एक्टिविटी हम करते हैं जो आपके लिए भी बहुत मजेदार है, और आपने इनफैक्ट खुद ही ऑब्जर्व भी की होगी। जब आप डॉक्टर के पास जाते हो और बोलते हो कि मुझे बुखार या कुछ है, तो डॉक्टर आपको कैसे चेक करता है? थर्मामीटर लगा के, या फिर कैसे चेक करता है? आपकी रिस्ट पे, यहां पर जो आपको ये मोटी सी एक वो दिख रही है ना, नस जिसे आप कह देते हो,
तो मध्य और तर्जनी उंगली अगर आप इस पे रखो और टाइट से थोड़ा सा दबा के सुनो, करो आप मेरे साथ ये एक्टिविटी भी करके देखो, तो आपको कुछ वाइब्रेशन महसूस होती है। कैसी वाइब्रेशन है वो? जैसे आपको हार्ट के पास करता है ना, महसूस होता है धक 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 धक, तो इस धक धक या स्पंदन को कहते हैं नाड़ी स्पंदन, और इंग्लिश में उसे कहते हैं पल्स। और ये जो स्पंदन होता है ये रिपीट होता रहता है ना, आप ऐसे तो नहीं होगा कभी कि आप कभी भी हाथ लगाओगे तो आपको वो स्पंदन महसूस होगा, वह धक धक सी साउंड जो है वो आपको महसूस होगी। और एक स्वस्थ या व्यस्क एडल्ट में या व्यक्ति में जो ये स्पंदन की दर होती है, अब स्पंदन दर क्या होती है, स्पंदन दर का अर्थ हुआ अगर हम एक मिनट में कैलकुलेट करें कि कितनी बार हमें वो साउंड महसूस हुई है या वो स्पंदन महसूस हुई है, तो उसे हम कहते हैं स्पंदन दर या पल्स रेट। ध्यान से देखिए, स्पंदन संख्या प्रति मिनट, ठीक है, इसको हम कहते हैं क्या कहते हैं, स्पंदन दर या फिर पल्स रेट। और ये एक स्वस्थ व्यसक में मैंने आपको कितनी बताई, 72 से 80 टाइम्स के बीच में। तो आप मुझे अभी एक्टिविटी में ये जान के बताइए, क्या आप स्वस्थ हैं, क्या आपकी पल्स रेट 72 से 80 मिनट्स या पल्स रेट आपकी क्या यही चल रही है, मुझे जल्दी से चेक करके बताइए। और नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है हृदय। आप सभी अपने होमवर्क में उसको घर से भी पढ़ के आए ताकि आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन हो। जब मैं वीडियो आपको बनाऊंगी और दिखाऊंगी तुरंत आप अपनी कॉपी और पेंसिल लेके बैठे ताकि आप हार्ट का स्ट्रक्चर भी बना सके। अंटिल देन थैंक यू। एनटीपीसी फरीदाबाद एंड चीफ मिनिस्टर्स गुड गवर्नेंस एसोसिएट्स प्रोग्राम with Star Teachers of Faridabad.